हेलो एवरीवन, मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जो आप लोग बताएं। डे है मंडे, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6 बज रहे होंगे। 6 बजने में 20 मिनट कम था तो मैं सो के उठी हूँ। इतना जल्दी मैं सर्दी में उठती नहीं हूँ। आज सुमित को ऑफिस जल्दी निकलना था इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। और यहाँ पर चाय रखी हूँ बनने के लिए, और एक तरफ दूध रखी हूँ अंश के लिए। और आधा काम तो मैं नाइट में ही कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ, तो ये सत्तू रात में ही बना ली थी। और आटा तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हो, सर्दी हो या गर्मी मैं रात में ही लगाती हूँ, मॉर्निंग में मैं नहीं लगाती हूँ। आटा लेके मैं नहीं बैठती हूँ, मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है और कभी कभी लेट भी हो जाता है उठने में, तो ये आटा वगैरह लगा रहता है तो जल्दी जल्दी बन जाता है। और सर्दी में तो बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है जल्दी। तो चाय पीने के बाद ये मटर को मैंने फ्राई किया है, धनिया की पत्ती वगैरह कट किया है, और पनीर को मैं कट करके रखी हूँ। मटर पनीर बनाने वाली हूँ। और ये ग्रेवी तो एक हफ्ते के लिए एक ही बार मैं बना के रख लेती हूँ। मॉर्निंग में प्याज टमाटर कट करो, फिर ग्राइंड करो, मिक्सर जार निकालो वगैरह, तो नहीं हो पाता है। तो मैं एक हफ्ते के लिए ग्रेवी ऐसे बना के रख लेती हूँ। और टमाटर प्याज को हल्के से ऑयल में मैं सॉटे कर लेती हूँ, और उसके बाद ठंडा होने के बाद ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो मॉर्निंग में एक ही रहता है कुछ भी सब्ज़ी बनाना हो तो। और इसके बाद मैं पनीर सबसे पहले बना लूँगी। तो जीरा, बड़ी वाली इलायची, तेज़पात और ये हींग मैंने तड़के में डाला है। उसके बाद जो ग्रेवी मैंने बनाया है उस ग्रेवी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट ऐड करूँगी, उसके बाद ही मसाले ऐड करूँगी मैं। तो ये थोड़ा सा भूनने के बाद लहसुन अदरक का मैं पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। और मटर तो मेरा भुना हुआ है। तो लंच भी मैंने पैक कर दिया और ये पराठे भी बन गए। सिर्फ मैं सुमित के लिए बना रही हूँ, अपना और अंश का मैं बाद में बनाऊँगी। और साथ में मैंने चाय भी रख दिया था तो बन गया है, और सिर्फ मैं अभी चाय पीऊँगी। और अंश अभी सोए हुए हैं तो मैं आजकल जगा नहीं रही हूँ, सो रहे हैं तो मैं छोड़ दे रही हूँ। और अभी जगाई होती तो इतना जल्दी मेरा काम नहीं हुआ होता, सारे काम मेरे लेट हो जाता है। तो मैं जिस दिन काम रहा था उस दिन तो जल्दी जगाती भी नहीं हूँ, तभी सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, उठना नहीं है? मामा सोने दो। हाँ। पापा कहाँ गए? ऑफिस गए। तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ। अब उठ जाओ ना। चलो ब्रश कर लो, चलो उठना नहीं है, उठ जाओ बेटा। हेलो, कैसे हो आप लोग? मैं आप लोग से पूछती रहती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो तो आप लोग बताया करो। और अभी 12 बजे में 15 मिनट कम है, 10 मिनट पहले मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है। आज सारे काम मेरे जल्दी हो गए थे, फिर भी आज मेरा लेट हो गया है। पूजा 9:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे, सुमिता जल्दी ऑफिस गए तो सारे काम जल्दी हो गए थे। और उसके बाद एक वीडियो मैंने था तो एडिटिंग किया है, होम रेमेडी का एंटी एजिंग एलोवेरा नाइट क्रीम मैंने शेयर किया है। आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो लिंक के थ्रू जाके आप लोग देखिएगा।
और टच करके एक बार जरूर बनाइएगा। फाइन लाइन्स, रिंकल और डार्क सर्कल के लिए बेस्ट क्रीम है और फेस पे ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। तो ज़रूर आप एक बार घर पे बनाइए और आप लोग लगाइए और कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा। रात में मैं अप्लाई की थी, मेरे फेस एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाएं। और जो लोग नहीं जानते उन लोग को मैं बता दूँ, मैं अपने चैनल पर ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो दिल से थैंक यू। और मैंने बाल धोए हैं, लाइट इस टाइम पे है नहीं, तो मैं टॉवल अभी तक लपेट के हूँ और लाइट होते तो मैं बाल को सुखा लेती। और बाहर में धूप हुआ था मॉर्निंग में, लग रहा था अच्छा खासा पूरे दिन धूप रहेगा और इस टाइम पर धूप नहीं है। और आप लोग की तरफ धूप हो रहा है कि नहीं कॉमेंट करके जरूर आप लोग बताएँ। और मेरे ब्लॉग आप लोग को कैसे लगते हैं कॉमेंट करके जरूर आप लोग बताएँ। मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में मेरा 2 ब्लॉग जाए, बट नहीं जा पाता। और दिन आज अच्छा हुआ है तो मैं सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, तवा के जो मेरा हैंडल है वो ज़्यादा दिन से निकल गया है, तवा भी पतला हो गया है, तो दूसरा तवा लेने के लिए मैं सोच रही थी। तो आज फिर वैसे ही दिन हो गया, देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। हेलो, पिजन को दिखा दूं क्या हो गया पिजन को? रौनक साइड में हट जाओ, रौनक साइड में हट जाओ, हाय मत करो। अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं टेरिस पे। जैसे तेज़ धूप होता है अंश जिद करने लगते हैं कि मम्मा मुझे टेरिस पे जाना है, और अभी तेज़ धूप हो गया है तो लेके आई हूँ। और यहीं पे इनका साइकिल रहता है तो दोनों लोग अपनी साइकिल चलाते रहते हैं। और इस साइड में ये लोग आए हैं तो देख रहे हैं तो पिजन था, तो अंश बोल रहे हैं मम्मा पिजन फ्लाई नहीं कर रहा है। पास से मैं देखी हूँ तो ये पिजन मर गया है। टेरिस पे भाभी दाना वगैरह डालती रहती हैं तो पिजन आते रहते हैं और ये पिजन मर गया है। और आज भाभी घर पे भी नहीं है और मैं जा रही हूँ इन लोग को डरा के नीचे लेके। तेज़ बहुत धूप है और रहने का मन नहीं कर रहा, बहुत धूप लग रहे हैं। और यहाँ पे ये पिजन को मैं बोल रही हूँ कि मंकी ने काट लिया है, अंश को बोल रही हूँ नीचे चलो, तो अभी मैं लेके इन लोग को नीचे जा रही हूँ। जैसे मैंने कैमरा ट्राइपॉड में लगाया है, अंश चेयर लेके आ गया है, बोल रहे हैं मुझे हेलो बोलना है। मंकी पिजन को काट लिया है, मंकी पिजन को काट लिया है, अंश बोल रहे हैं मंकी पिजन को काट लिया है। टेरिस पे हम लोग गए थे और आप लोग को मैंने बताया कि वहाँ पे एक पिजन था जो मर गया था और अंश देखे हैं तो आ नहीं रहे थे, तो मैंने बोला है मंकी काट लिया है तो आ गए हैं। उसके बाद ये सोए हैं तो 5:30 बजे उठे हैं। मैं आप लोग से बोली थी कि आज मार्केट जाने वाली थी तवा वगैरह चेंज करने के लिए, तो सो के उठे ही नहीं है तो मैं नहीं गई हूँ। और जस्ट मैंने जोर चलाया है, 6:15 अभी हो रहा है, और चाय रखा बनने के लिए, बहुत सारे कल के कपड़े मैं धोई थी। लो ये डब्बे मैं बार बार खोल रही हूँ और बार बार ये बंद करवा रहे हैं, अब मत बंद करना बेटा, हो गया है लो। और कल के मैं बहुत सारे कपड़े धोई थी, तो कल आयरन वाली भाभी आई थी तो 4-5 कपड़े थे तो सुमित दिए और सारे कपड़े मैं धोई थी, तो आज आई थी देने के लिए तो और सारे कपड़े जो थे मैं दी हूँ आयरन करने के लिए, तो आयरन करके आ गया है। तो अभी यहाँ मैं सोफे पर ही रखी हूँ, जस्ट अभी दे के गई हूँ। और जो डेली के कपड़े थे उसको मैं फोल्ड करके रखी हूँ। और अभी तो मैं चाय रखी हूँ बनने के लिए, चाय पीऊँगी और उसके बाद डिनर की भी तैयारी करूँगी, सब्जी वगैरह मुझे कट करना है तो सब मैं करूँगी। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर आप लोग करिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।